साथ देखते आज की खास खबर। आज ही रात को कांग्रेसी नेता के घर पहुंच प्रियंका ने चौंकाया, कहा 2022 की तैयारी शुरू करो। अमेठी, लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर विजय हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ठीक 5 साल बाद अमेठी पहुंची। बुधवार 27 मार्च को अमेठी दौरे के दौरान देर रात वह अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक रहे नूर मोहम्मद के बेटे और कद्दावर नेता फतेह मोहम्मद और फतेह बहादुर के घर पहुंची और उनसे मुलाकात की। फतेह मोहम्मद ने बताया कि प्रियंका ने उनसे चुनाव 2019 के लिए सही से काम करने को कहा है और साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा। अमेठी पहुंची यूपी महासचिव प्रियंका गांधी ने मुसाफिर खाना के एएच इंटर कॉलेज में बूथ वर्कर्स के साथ लगभग 10 घंटे की बैठक की। बैठक के बाद गौरीगंज में कांग्रेसी नेता के घर में उनको लड्डुओं से तोले जाने का कार्यक्रम था। काफी विलम्ब के बाद रात करीब 12 बजे वह फतेह मोहम्मद के घर पहुंची। प्रियंका के स्वागत में खड़े लोगों ने उनसे तराजू के एक बल्ले में बैठने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपनी जगह उन्होंने कांग्रेस नेता फतेह मोहम्मद को बिठा दिया और वह मुस्कुराने लगी। तो एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।